आइए दोस्तों, आज हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, जिसमें हम लोग ग्रामर के चुने हुए रूल्स देखते हैं, आज आपके सामने लेकर आए हैं सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का रूल। सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का रूल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, जो हम लोग प्राइमरली वर्ब चैप्टर में भी देखते हैं। इसके कुछ पार्ट्स को हम लोग को एडवर्ब में भी देखना पड़ता है। और जब मैं आपके सामने गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं आपके सामने वैसे चुने हुए रूल्स लेकर आऊंगा जो सीधे एग्जामिनेशन क्रैक करने में आपकी मदद कर सकता है। तो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का रूल सुनिएगा दोस्तों, एक कहानी के रूप में। पहली कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं, वो कहानी ऐसी है कि एक बार मेरे घर में, पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा, जैसे मैं पटना में हूं, तो पटना में मेरे दो घर हैं। एक घर मेरा एकदम सेंट्रल पटना में है, पटना स्टेशन के पास है, एग्जीबिशन रोड जिसको कहा जाता है, और ये दूसरा घर मेरा थोड़ा आउटर पटना में, दानापुर के पास है, गोला रोड उस एरिया में है। तो आप में से जो लोग पटना से होंगे वो जानते होंगे कि जो एग्जीबिशन रोड है वो पटना के बीच में है, और जो दानापुर है वो पटना के बाहर है। अब दोस्तों, ग्रामर के रूल को इस कहानी से मैं आपको समझाऊंगा। मेरे दो घर हैं। अब क्या हुआ कि मैं दोनों घर का मालिक हूं, लेकिन मैं किसी एक ही घर में रहता हूं। ऑब्वियसली जब मैं ही दोनों घर का मालिक हूं और मैं अकेला इंसान दोनों घर को चलाता हूं, तो मैं दोनों जगह तो नहीं रह सकता हूं, मैं किसी एक ही जगह रहूंगा। तो मैं क्या करता हूं कि कहां रहूं, तो मैं अपने एग्जीबिशन रोड वाले घर पर रहूंगा, जो पटना के बीच में है। ऑब्वियसली आउटर पटना, जो दानापुर का घर है, उसमें ताला लगा हुआ है, क्योंकि वहां रहने से बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। एक दिन मेरे पास एक बिजली विभाग वाला आया, बोला कि सर मैंने सुना है कि आपके दो घर हैं। मैंने बोला हाँ। तो बोला कि आप अपना मीटर दिखाइए। मैंने बोला, वो एग्जीबिशन रोड के घर पे आया था, मैंने बोला आप देख लीजिए मेरा मीटर। तो उसने बोला कि मुझे आपके दानापुर वाले घर का भी मीटर देखना है, अभी इसी इस वक्त, हमें दोनों जगह एक साथ छापा मारना है। तो मैंने बोला बॉस वहां तो ताला लगा है। तो उसने बोला कि देखिए, अगले महीने में जब मैं आऊंगा तो मुझे आपको ऐसा इंतजाम करके रखना पड़ेगा कि दोनों घरों को मैं एक साथ चेक कर लूं, तो आपको वहां के लिए कोई दूसरा मालिक खोज के रखना पड़ेगा, ताकि वो घर दिखा सके जो भी मीटर वाला आए। तो मैंने बोला ठीक है, अगले महीने मैंने उस घर के लिए केयर टेकर रख लिए। अब वो केयर टेकर को मैंने इसलिए रखा था कि जब बिजली विभाग वाला आए तो बिजली विभाग वाले को मीटर दिखा दे। अगले महीने जब बिजली विभाग वाला मेरे घर में आया, उसने कॉल बेल बजाया, मैं बाहर निकला, मैंने बोला हाँ सर देखिए चली जाइए आप मेरे उस घर में, चले जाइए गोला जो मेरा दानापुर में घर है वहां भी आप चेक कर लीजिए, और मेरा यहाँ का मीटर तो आप चेक कर ही सकते हैं। उन्होंने बोला कि लेकिन आपके दानापुर वाले घर में कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोला कि हमारा बिजली विभाग वाला आदमी घंटी बजा रहा है लेकिन अंदर से कोई खोल नहीं रहा है। मैंने बोला रुकिए मुझे फोन करने दीजिए। मैंने फोन किया अपने केयर टेकर को, मेरे केयर टेकर ने बोला कि मैं घर पे ही हूं लेकिन अंदर बेडरूम में सो रहा हूं। मैंने बोला भैया तुम्हें इसलिए रखा है कि तुम दरवाजा खोलो, अगर तुम अंदर सोते रहोगे तो दरवाजा कौन खोलेगा, तो ऐसा काम करो कि तुम बेडरूम में अगर सो रहे हो तो सो, लेकिन दरवाजे पर एक गार्ड रख दो। तो मेरे केयर टेकर ने अब दरवाजे पे एक दरबान, एक गार्ड रख लिया, और घर का सब समस्या सॉल्व। उसके बाद बिजली विभाग वाला जब आता था तो मैं अपने घर का मीटर दिखा देता था, और मेरे दानापुर वाले घर का दरवाजा गार्ड खोलता था, और केयर टेकर उसको मीटर दिखा देता था, क्योंकि अब वो उस घर का मालिक था। अब इसी को हम लोग सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के रूल में देखेंगे। इस पूरी कहानी को दोस्तों, अगर मैं एक सेंटेंस आपको दूं, बीइंग टायर्ड अमित स्लेप्ट, अमित मेरा नाम है, अमित चौधरी, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, थका होने के कारण अमित जो है सो गया। अब देखो यहां पे कॉमा लगा हुआ है, समझ लेना, जैसे कॉमा लग जाएगा दो अलग अलग घर बन गया। ये घर जो है ये अंदर का घर है, तो ये एग्जीबिशन रोड वाला घर है, और ये बाहर के साइड का घर है, तो ये दानापुर वाला घर। अब ये देखो कि दोनों घर का मालिक कौन है, और घर का मालिक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट वो होता है जो क्रिया को करता है, एक्शंस को करता है। तो बोलो कि यहां पे सब्जेक्ट कौन है,
तो यहां जो सब्जेक्ट है वो अमित है, क्योंकि सोने का काम कौन कर रहा है? अमित कर रहा है, तो सब्जेक्ट अमित है। और इस पार्ट का सब्जेक्ट कौन है? इस पार्ट का सब्जेक्ट वो है जो थक गया है, तो थका कौन है? तो थका अमित है। यानी इस पार्ट का सब्जेक्ट भी अमित है। दोनों पार्ट का सब्जेक्ट एक ही है, इसका मतलब दोनों घर का मालिक एक ही है। और अगर दोनों घर का मालिक एक ही है, दानापुर वाले घर का मालिक भी मैं ही हूं, अमित ही है, और एग्जीबिशन रोड वाले घर का मालिक भी मैं ही हूं, तो मैं किसी एक ही जगह ना रह सकता हूं। और मैं कहां रहूंगा, बाहर वाले घर में कि अंदर वाले घर में? तो अंदर वाले एग्जीबिशन रोड वाले घर में, इसलिए मैं एग्जीबिशन रोड वाले घर में बैठा हुआ हूं। और बाहर वाला रोड, बाहर वाला जो दानापुर वाला घर है वो खाली है। लेकिन चूंकि दोनों घर का मालिक एक ही है, तो मालिक एक ही जगह प्रेजेंट रहेगा, अंदर के साइड। और तुम इसको देखते के साथ बोल सकते हो कि कौन थका हुआ है, तो अमित थका हुआ है, और कौन सोया, तो अमित सोया। दोनों पार्ट का सब्जेक्ट एक ही है, सब सब्जेक्ट एक ही है, दोनों घर का मालिक एक ही है, तो वो एक घर में बैठेगा और अंदर के घर में बैठा हुआ है, एग्जीबिशन रोड में बैठा हुआ है। लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, बीइंग अ टायरिंग डे, आई स्लेप्ट, बीइंग अ टायरिंग डे Being a tiring day, ये इसको फिर से लिखते हैं। सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का रूल हम लोग देख रहे हैं, और सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के रूल में आपने मेरे साथ ये देखा अभी तक कि अगर दोनों घर कॉमा के इधर एक घर, उधर दूसरा घर, इधर मैंने लिखा being tired यानी थका होने के कारण, अमित slept, अमित सो गया, और मैंने आपसे पूछा कि दोनों पार्ट का सब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्वियसली इस पार्ट का सब्जेक्ट भी अमित है और उस पार्ट का सब्जेक्ट भी अमित है। दोनों पार्ट का सब्जेक्ट अमित है। अगर दोनों पार्ट का सब्जेक्ट अमित है, तो अमित किसी एक ही तरफ रहेगा और वो अंदर तरफ रहेगा, अंदर की तरफ बैठा हुआ है। लेकिन अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखूं, बींग अ टायरिंग डे, बींग अ टायरिंग डे अमित स्लेप्ट, अब सेंटेंस बना थकाने वाला दिन होने के कारण अमित सो गया, तो भैया इस पार्ट का सब्जेक्ट कौन है? इस पार्ट का सब्जेक्ट जो है वो अमित है। तो अब इस पार्ट का सब्जेक्ट कौन है? इस पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो अमित नहीं है, क्योंकि अमित थकाने वाला नहीं है। तो सब्जेक्ट कौन है जो थकाने वाला है? और थकाने वाला कौन है? दिल। तो इस पार्ट का सब्जेक्ट है दिल। तो अब इस, चूंकि इस क्वेश्चन में दोनों घर का मालिक अमित ही था, इसलिए अमित सिर्फ एक साइड में, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि उस घर का मालिक अमित है, उस पार्ट का सब्जेक्ट अमित है, जबकि इस पार्ट का सब्जेक्ट यानी इस घर का मालिक डे। तो सेंटेंस के शुरुआत में मालिक को प्रेजेंट रहना है, तो इस पार्ट के शुरुआत में अमित प्रेजेंट है, लेकिन इस पार्ट के शुरुआत में भी इस तरफ का जो सब्जेक्ट है उसको यहां प्रेजेंट रहना पड़ेगा। लेकिन इस पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो तो अंदर बेडरूम में सो रहा है आपका केयर टेकर, तो आपने केयर टेकर को फोन किया, बोला कि भैया अंदर सो गए तो कैसे होगा, तुम सब्जेक्ट हो, तुम खुद दरवाजे पर नहीं रह सकते, तो दरवाजे पर एक दरबान को, एक गार्ड को खड़ा कर दो। तो नाउन का दरबान कौन होता है, नाउन का गार्ड कौन होता है, नाउन की जगह कौन आता है? प्रनाउन। तो तुमको डे के लिए यहां एक प्रनाउन लगाना पड़ेगा, और वो प्रनाउन होगा इट, क्योंकि डे नॉन लिविंग होता है, और इसके लिए आपको इट लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, इट बीइंग अ टायरिंग डे अमित स्लेप्ट। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और जो कि एसएससी और बैंकिंग दोनों एग्जामिनेशन में खासतौर पर पूछा जाता है, सब्जेक्ट और रेफरेंस का रूल। जैसे ही कॉमा लगे, सेंटेंस का दो पार्ट बने, दोनों पार्ट के सब्जेक्ट को देखो, अगर तुमको दोनों पार्ट का सब्जेक्ट एक नजर आए, तो सब्जेक्ट को सिर्फ एक बार लगाओ, अंदर की तरफ लगाओ। लेकिन अगर दोनों पार्ट का सब्जेक्ट अलग अलग नजर आए, तो दोनों पार्ट के सब्जेक्ट को वाक्य की शुरुआत में होना पड़ेगा। अगर उस तरफ के वाक्य की शुरुआत में अमित है, तो इस तरफ के वाक्य की शुरुआत में इट आएगा, जो कि डे के लिए आएगा,
और ये प्रोनाउन को शुरुआत में लगाओगे तब ये लाइन सही होगा, तो एग्जाम में तुमको बीइंग अ टायरिंग डे अमित स्लेप्ट दे देगा और तुमको इसको करेक्ट करके करना पड़ेगा इट बीइंग अ टायरिंग डे अमित स्लेप्ट। तो दोस्तों ये था सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का रोल, एक छोटा सा रोल, और इसी तरह के छोटे छोटे गोल्डन रूल्स हम आपके सामने लेकर आएंगे, एक एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर लाया जाएगा और आप उसको बनाएं, सॉल्व करें और उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सारे रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको सेव कर ले और इन रूल्स को नोट कर लें। सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का रूल, जब दोनों पार्ट का सब्जेक्ट एक ही हो तो सब्जेक्ट एक बार आएगा, लेकिन दोनों पार्ट का सब्जेक्ट अगर अलग अलग हो तो इधर आपको शुरुआत में नाउन या प्रोनाउन को लगाना पड़ता है, जैसे यहाँ पर इट को लगाया गया, यानी ये लाइन तब तक करेक्ट नहीं होगा जब तक इसमें इट को ना लगाया जाएगा, इट बीइंग अ टायरिंग डे अमित स्लेप्ट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के गोल्डन रूल्स के लिए मेरे साथ बने रहे, ऑल द बेस्ट।